हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 3 जुलाई 2019 वेंसडे। देखते हैं किस बारे में है। यहाँ लिखा है टीचर्स एंड कोटास, यानी कि टीचर और उनके रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। देखिए, बिल ऑन रिजर्वेशन इन सेंट्रल एकेडमिक कैडर प्रोवाइड्स रिलीफ टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। अब इसकी हिंदी समझते हैं। अब ये आपका जो प्रोवाइड्स है, ये आपका वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए कि बिल, तो ये जो बिल है ये आपका सब्जेक्ट है। बिल प्रोवाइड्स, बिल मतलब जो वो कानून पास हुआ है, वो प्रोवाइड्स रिलीफ, वो सुकून देता है, आराम देता है, किसको? टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। कुछ ऐसे सेक्शन है जिन्हें एडवांटेज नहीं मिलता है, सुविधा नहीं मिल पाती है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ देता है। क्या है ये, किस चीज़ पर बिल है? तो बिल ऑन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पर बिल है। किस चीज़ में? इन सेंट्रल एकेडमिक कैडर, यानी कि सेंट्रल जो एकेडमिक है, जो शिक्षा से संबंधित है, जो शैक्षिक कैडर है, जो कैडर का मतलब जो ग्रुप है, उसको कहीं ना कहीं ये एक रिलीफ प्रोवाइड कराता है, उसके लिए एक बिल पास हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ लिखा है कि लेजिस्लेशन टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। अब देखिए, ये इज जो है ये किसके लिए आया है? लेजिस्लेशन के लिए आया है। ये जो लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेशन का मतलब है कि वो जो कानून है, इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया, वो हमेशा सही आइडिया नहीं है। किस लिए है लेजिस्लेशन? तो टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, कोर्ट का जो फैसला है, उसके प्रभाव से बाहर निकलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए जो ये कानून है, इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा सही आइडिया नहीं होता है, ये बात कही गई। हाउएवर, फिर भी, मतलब ये तो सही है कि गुड आइडिया नहीं होता, फिर भी समटाइम्स एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहा है कि उसके बाद भी, हाउएवर, कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कि एक अपवाद है, यानी कि जो हमेशा नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। तो एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड, और टू बी मेड आपका एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका पैसिव है कि एक एक्सेप्शन होना चाहिए इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इतने बड़े पब्लिक के हित को देखते हुए एक एक्सेप्शन भी होना चाहिए। यहाँ तक का मतलब यह है कि अगर कोर्ट ने भाई कोई वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है, तो उससे ओवरकम करने के लिए अगर आप कानून बनाते हैं तो वो ऑलवेज नॉट गुड, वो सही नहीं है। फिर भी, हाउएवर, कि पब्लिक के हित को देखते हुए कभी कभी एक्सेप्शन होना चाहिए। मैं ऑट टू बी आपको समझाता हूँ क्या है ये। ऑट टू बी, OUGST, ought to, पहले ought to को समझ लीजिए। ought to स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ought to की जगह आजकल सारे लोग should का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ought to का मतलब भी वही है, आप एडवाइस देते हैं किसी को कि कोई भी काम करना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन ये एडवाइस जो बना था, ये बना था किसी कोई सामाजिक काम के लिए, या किसी बड़ों की रिस्पेक्ट वगैरह की बात करनी हो, वहाँ पर ought to का है। जैसे कि You ought to respect your elders, यानी कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड ना लगा करके ought to लगाया गया। तो ought to इन ऐसे सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ पर थोड़ा इज्जत, सत्कार, मान मर्यादा की बात होती है, कोई धार्मिक, सामाजिक, कोई मतलब देश से रिलेटेड ऐसा होना चाहिए, तो ought to लगाते हैं। इसी का अगर पैसिव देखा जाए, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑट टू बी हो जाएगा, कि योर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड। देख रहे हैं, ऑट टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी जो ऑट टू का इस्तेमाल हुआ है वो देख लीजिए कि एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड, एक एक्सेप्शन बनाया जाया, मतलब बनना चाहिए, तो ये पैसिव का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, One such law is the center's bill to ensure that reservation for scheduled castes, tribes and other backward classes in appointments to central educational institutions is preserved. यहाँ पे full stop है, इसका क्या मतलब है देखिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पब्लिक के हित के लिए एक्सेप्शन, ऐसे कानून की ज़रूरत है, होने चाहिए। लिखा है one such law, such मतलब ऐसा, तो इस प्रकार का एक कानून, इज द सेंटर्स बिल, वो सेंटर का एक बिल है, एक सेंटर ने एक बिल पास किया, वो बिल है। किस लिए बिल है? टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए वो बिल है, दैट
रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, किस चीज़ में? इन अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी सेंट्रल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनमें इन लोगों को, ये जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो इज प्रिजर्व्ड, तो इस बिल में वो सारी चीज़ें सुरक्षित है कि हाँ, इस बिल से इन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाएगा इस एजुकेशन के फील्ड में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल, इसका नाम क्या रखा हुआ है? द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल। तो इस बिल का नाम है 2019। फिर यहाँ कॉमा है, यहाँ लिखा है पास्ट बाय, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ये आपको दिखाई देगा। तो ऐसा बिल पास्ड बाय द लोकसभा, जिसे लोकसभा के द्वारा पास किया गया, रिप्लेसेस, वो रिप्लेस करता है एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलिगेटेड इन मार्च, यानी कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक ऐसा विधेय कानून जो प्रोमुलिगेट हुआ था, यानी कि जो इसको मतलब को ऐलान किया गया था। प्रोमुलिगेट की हिंदी क्या होती है? ऐलान करना। कई बार हिंदी बोलना बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश को इंग्लिश में समझा जाता है कई बार, ऐसे वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्च में एक ऑर्डिनेंस, एक कानून प्रोमुलिगेट हुआ था, उसका ऐलान हुआ था, तो उसको रिप्लेस करके अभी क्या है, इस वाले बिल को लाया गया है। कौन सा बिल है? द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रोमुलिगेटेड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कैसा ऑर्डिनेंस? जिसे प्रोमुलिगेट किया गया था। तो ऐसे सेंटेंस को तोड़ते हैं। अब देखिए, इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू रिस्टोर द सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एन इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी एज अ सिंगल यूनिट। पहले यहाँ तक देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि इट्स मेन ऑब्जेक्ट, अब ये जो बिल पास हुआ है, इस बिल का जो मेन उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? टू रीस्टोर द सिस्टम, उस सिस्टम को पुनः जीवित करना है, दोबारा उसे स्टोर कर लेना है, रीस्टोर करना है सिस्टम को। किस सिस्टम को? ऑफ ट्रीटिंग एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को और इंस्टीट्यूशन को ऐसे ट्रीट करना एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी, उसको एक सिंगल यूनिट मान लो। किस लिए? टू अप्लाई द रिजर्वेशन रोस्टर, ताकि जो रिजर्वेशन रोस्टर है उस पूरे पूरे यूनिवर्सिटी पे अप्लाई हो सके। रिजर्वेशन रोस्टर का मतलब क्या? जो सूची तालिका है, जो रिजर्वेशन बनाया गया है, तो अगर पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मान ले, तो उस पूरे यूनिट पे एक रिजर्वेशन चला जाएगा। एंड दस, और इस प्रकार हेल्प फिल 7000 टीचिंग वैकेंसीज, इस प्रकार से जो 7000 टीचिंग वैकेंसीज है उसको भरने में सहायता होगी। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक ये बिल की बात की गई है कि सेंटर ने जो बिल पास किया है, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके 2019 में जो बिल पास किया है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये है कि पूरे यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूशन को एक सिंगल यूनिट माना जाए, ताकि उस पर रिजर्वेशन रोस्टर अप्लाई किया जा सके, जिसकी वजह से क्या होगा कि 7000 जो टीचिंग वैकेंसीज है वो फिल हो जाएंगी। अब देखिए, इट सीक्स टू गेट अराउंड 2017 जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस दैट ट्रीटेड द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग द रोस्टर एंड डायरेक्टेड दैट ईच डिपार्टमेंट बी द रेलिवेंट यूनिट। यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, अब इसे तोड़ते हैं। यानी कि ये इट सीक से लेकर के यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसे देखिए, सीक टू का मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते, उसे सीख मतलब तलाश करना भी होता है, कि आप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। सीख मतलब कोशिश भी करना है। तो ये जो बिल है, ये क्या कोशिश कर रहा है? और सीख का हम सीक्स मतलब प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया गया कि ऐसा ये कोशिश करता है, तो सीक्स कर दिया। तो ये क्या कोशिश कर रहा है? टू गेट अराउंड 2017 जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2017 में एक जजमेंट आया था, उसको गेट अराउंड कर रहे हैं। गेट अराउंड के कई मतलब होते हैं, एक नाकाम बनाना भी होता है। तो शायद उसी सेंस में बात कही गई कि उस 2017 के उस जजमेंट को कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, उसे नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जजमेंट था? तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि स्ट्राइकिंग डाउन यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है निष्फल बना देना, यानी कि कोई चीज़ अगर आपने बोला है उसका खंडित कर देना। तो हाईकोर्ट ने क्या खंडित कर दिया था, किस चीज़ को स्ट्राइक डाउन किया था? ये जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि UGC, तो UGC का एक रेगुलेशंस था, एक रूल था दैट ट्रीटेड द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट। उसने पूरे इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट समझा था फॉर डिटरमाइनिंग द रोस्टर
ताकि रोस्टर को निर्धारित किया जा सके, तो उस चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था 2017 में। तो अब उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो खारिज किया था, अब उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है इस बिल को पास करके, ऐसे समझिए। और फिर यहाँ पर लिखा है एंड डायरेक्टिंग दैट, और UGC ने क्या किया था कि ये बोला था कि भाई सब एक इंस्टीट्यूशन माना जाएगा रोस्टर के लिए, एंड डायरेक्टिंग दैट ईच डिपार्टमेंट बी द रेलिवेंट यूनिट, और ये डायरेक्ट किया था कि हर डिपार्टमेंट जो है उसको एक उपयुक्त यूनिट मतलब होना चाहिए। देख रहे हैं, डिपार्टमेंट बी द रेलिवेंट यूनिट, यहाँ पर बी है यानी कि शुड बी है, ये आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, कभी पढ़ाऊंगा मैं, अब तक तो पढ़ाया नहीं है, वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक यही है कि जो UGC ने अपना एक रेगुलेशन निकाला था कि पूरे इंस्टीट्यूशन को एक ग्रुप समझा जाएगा ताकि उस पर रोस्टर को डिटरमाइन किया जा सके, उसको खारिज कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया 2017 में इलाहाबाद के जजमेंट ने। तो उस जजमेंट को भी अब गेट अराउंड करने की एक मांग कर रहे, कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, मतलब किया जा रहा है इस बिल के द्वारा। अब आगे देखिए, इतना घुमा के लिखते हैं गाइज ये लोग सेंटेंस को कि डायरेक्ट हिंदी करना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, बट आप फीलिंग को समझिए। अब यहाँ देखिए लिखा है इन शॉर्ट, अब इतना जो घुमाया है ना उसका इन शॉर्ट भी दे दिया है कि इन शॉर्ट रिजर्वेशन शुड बी डिपार्टमेंट वाइज एंड नॉट इंस्टीट्यूशन वाइज द कोर्ट रूल, यानी कि इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा था कि जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो वो डिपार्टमेंट वाइज दो, यानी कि अभी क्या मांग है, अभी बिल ने क्या बोला कि पूरे इंस्टीट्यूशन को, पूरा जो यूनिवर्सिटी है उसको हम एक यूनिट मानेंगे और हम जो रिजर्वेशन देंगे पूरे यूनिवर्सिटी को देंगे, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा था कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को आप रिजर्वेशन दो, पूरे यूनिवर्सिटी को मत दो, किसी डिपार्टमेंट में है किसी डिपार्टमेंट में नहीं, डिपार्टमेंट वाइज दो। लेकिन बिल की मांग है कि नहीं, हम पूरे यूनिवर्सिटी को देंगे। UGC ने भी यही रेगुलेशन बनाया था कि पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानो, उसको खारिज कर दिया था इलाहाबाद कोर्ट ने, स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो वो बात कही गई है। तो कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया, रूल किया कि भाई रिजर्वेशन शुड बी डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए एंड नॉट इंस्टीट्यूशन वाइज, पूरे इंस्टीट्यूशन को एक नहीं मान सकते। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द सेंटर्स अपील, यानी कि सेंटर ने जो अपील किया उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अगेंस्ट द ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑर्डर आया था इस ऑर्डर के खिलाफ सेंटर ने अपील किया कि इसको आप हटाएं, ये ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। बट द नैरोवर बेसिस फॉर अप्लाइंग कोटास, नैरोवर का मतलब होता है एकदम सकरा, एकदम छोटा सा जो नैरोवर आधार है फॉर अप्लाइंग कोटाज वुड मीन फ्यूअर एस्पिरेंट्स फ्रॉम OBC। तो ये जो देखिए समझिए कि बट द नैरोवर बेसिस, ये जो छोटा सा आधार है फॉर अप्लाइंग कोटाज, कोटा को अप्लाई करने का, वुड मीन फ्यूअर एस्पिरेंट्स, उसका मतलब ये होगा कि बहुत ही कम जो एस्पिरेंट्स है, जो प्रार्थी हैं, मतलब उम्मीदवार जो हैं, एस्पिरेंट्स को तो आप इंग्लिश में समझिए, हिंदी में मतलब उम्मीदवार जो आकांक्षी हैं ऐसे बोलते हैं, तो जो बहुत ही कम जो उम्मीदवार है जो कि OBC से हैं या ST सेक्शन से हैं, SC ST सेक्शन से, वुड बी रिक्रूटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत कम लोग हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से वो रिक्रूट होंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, ये बात कही गई। अब है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के हित में, सामाजिक न्याय के हित में, इट हैड टू रिस्टोर द सिस्टम ऑफ हैविंग अ वाइडर पूल ऑफ पोस्ट। अब इट हैड टू, इसे करना था रिस्टोर, अगर पूरे इंटरेस्ट को देखे, सोसाइटी के जस्टिस के इंटरेस्ट को देखे, तो इसको क्या करना था, रिस्टोर द सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम को पुनर्जीवित करना था ऑफ हैविंग अ वाइडर पूल ऑफ पोस्ट, कि बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से पोस्ट हो उसके अंदर, खाली कम लोगों को ही पोस्ट न मिले, बड़े लेवल पर भर्ती हो, इन विच द कोटाज ऑफ 27% ऑफ OBC, 15% ऑफ SC एंड 7.5% ST कुड बी इफेक्टिवली अप्लाइड, कुछ इतने बड़े लेवल पर हो कि जो परसेंटेज दिए हैं ये लोग आराम से इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से अप्लाई कर सके। तो यहाँ तक अभी यही पता चला है कि जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो बोला था डिपार्टमेंट वाइज करो, उससे बड़ा कम चांस था इनके लिए कि इनको पोस्ट मिलेगा या अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम पूरे उसको एक यूनिट मान ले, पूरे इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मान ले, तो जो परसेंटेज है ना OBC का 27% और 15% जो भी है, इन सबको इफेक्टिवली रूप से अप्लाई कर पाएंगे, इन्हें पोस्ट मिलेगा, ये बात है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव मतलब इस दृष्टिकोण से, द बिल प्रोवाइड्स वेलकम रिलीफ। अब ये जो बिल है 2019 में जो बिल पारित हुआ है, ये क्या देता है, एक बहुत ही वेलकम रिलीफ, एक स्वागत भरा, सुकून भरा स्वागत, क्या बोलूँ मैं इसे, वेलकम रिलीफ देता है फॉर एस्पिरेंट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए,
फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि उस सोसाइटी के उस सेक्शन से है जिनको अब तक एडवांटेज मिला ही नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा एक वेलकम रिलीफ है, यानी कि इस बिल की तारीफ यहाँ पर की गई है। इट इज़ नॉट दैट द कोर्ट वॉज मैनिफेस्टली रॉन्ग, इट इज़ नॉट दैट का मतलब कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, वर्डिक्ट दिया था, वो आज मैनिफेस्टली रॉन्ग, वो पूर्ण रूप से रॉन्ग हो, मैनिफेस्टली मतलब साफ तौर पर गलत ही था, इन अप्लाइंग द रोस्टर बेस्ड ऑन अ स्मॉलर यूनिट, कि उसमें जो रिजर्वेशन रोस्टर को अप्लाई करना था वो स्मॉलर यूनिट पे करना था, कि डिपार्टमेंट वाइज करना था, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट जो है वो गलत ही था, दैट इज़ वो ये है, दैट इज़ अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी, यानी कि कोर्ट ने जो क्या कहा था कि किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के डिपार्टमेंट को कोटा मिलेगा। द हाई कोर्ट नोटेड दैट, हाई कोर्ट ने नोट का मतलब है कि उन्होंने कहा, ऐसा बताया, दैट हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट, अगर पूरे इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट मान ले, वुड रिजल्ट इन सम डिपार्टमेंट्स हैविंग ओनली रिजर्वेशन। देख रहे हैं, द कोर्ट नोटेड दैट हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट, अगर पूरे इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट मान ले, वुड रिजल्ट इन, उसका परिणाम ये होगा, वुड रिजल्ट इन सम डिपार्टमेंट्स, कुछ जो डिपार्टमेंट्स है, हैविंग ओनली रिजर्वेशन, वही सिर्फ रिजर्वेशन लेंगे, रिजर्वेशन बेनिफिशरीज लेंगे, एंड अदर्स ओनली दोज, और दूसरे वो लेंगे फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी से आते हैं। बट द काउंटर पॉइंट इज इक्वली वैलिड, लेकिन जो इसका जो खंडित वाला जो पॉइंट है, काउंटर पॉइंट है, वो बिल्कुल वैलिड है, इक्वली वैलिड है। हैविंग द डिपार्टमेंट एज द यूनिट, पूरे डिपार्टमेंट को अगर एक यूनिट समझे, वुड मीन स्मॉलर फैकल्टीज, उससे क्या होगा कि बहुत ही कम स्मॉलर फैकल्टीज वुड नॉट हैव एनी रिजर्वेशन। अच्छा, जो स्मॉलर फैकल्टीज हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो इन लोगों को जो उस डिसएडवांटेज सोसाइटी कैटेगरी में आते हैं उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। देख रहे हैं, स्मॉलर फैकल्टीज वुड नॉट हैव एनी रिजर्वेशन, उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं। लेकिन अगर पूरे इंस्टीट्यूशन को एक ग्रुप मान ले, तो फिर पूरे इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, इस तरह की बात कही जा रही है। यहाँ पर मैं आपको इट्स नॉट का इस्तेमाल पढ़ाता हूँ, आपको रिजल्ट इन समझाता हूँ ये क्या है। देख लीजिए, इट्स नॉट दैट, स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अब आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, इट्स नॉट दैट He is wrong। ऐसे करके आप एक कहानी सुना सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स नॉट दैट का इस्तेमाल हुआ कि इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है, द कोर्ट वॉज मैनिफेस्टली रॉन्ग, कि कोर्ट जो है वो साफ तौर पे गलत ही था, तो इट्स नॉट दैट का इस्तेमाल है। अब सीखते हैं रिजल्ट इन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइज, आपको आनी चाहिए, तभी आपका जो एक सेंटेंस इतना बड़ा दिखता है कि ऐसा लगता है यार ये कैसे समझेंगे। ब्रेक करना सीखिए। रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम होना। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को बीमारी है कोई, तो मैंने बोला कि दिस डिजीज विल रिजल्ट इन हिज डेथ, अगर मैंने ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो बीमारी है इसका परिणाम क्या होगा कि उसकी मौत होगी, इसका परिणाम। तो कोई भी चीज़ है, ये यहाँ लगा दीजिए कि ये जो चीज़ है इसका रिजल्ट इन और ये चीज़, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो रिजल्ट इन के बाद आप जिरंड भी लगा सकते हैं, जैसे आपने रिजल्ट इन बोला, तो रिजल्ट इन के बाद या तो कोई आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन या नाउन फ्रेज होगा, जैसे हिज डेथ मैंने बोल दिया, आप चाहें तो इसमें जिरंड लगा सकते हैं एक्शन वाला, कि रिजल्ट इन बींग बीटन, रिजल्ट इन बेगिंग, ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा ये रिजल्ट करेगा, जैसे कि दिस, कुछ भी कर लीजिए कि दिस एक्सीडेंट रिजल्टेड इन हिज डिवेस्टेशन,
यानी कि उसकी बर्बादी के तौर पे ये आया, ये जो एक्सीडेंट था इसका परिणाम क्या हुआ, उसकी बर्बादी, उसका विनाश, तो ऐसे बोल सकते हैं, ये है रिजल्टेंट। अब देखिए इन द रोस्टर सिस्टम, रोस्टर सिस्टम में क्या होगा कि इट नीड्स 14 पोस्ट टू अकोमोडेट SC and ST कैंडिडेट, 14 पोस्ट होंगे जो अकोमोडेट करेंगे, जो उनको दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को, एज देयर टर्न वुड कम ओनली एट द 7th, जैसा कि उनका जो टर्न आएगा वुड कम ओनली एट द 7th and 14th वैकेंसी, जो 7th और 14th वैकेंसी में उनका टर्न आएगा। अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप मतलब समझ लीजिए लिंक करके। देयर मे बी नो वैकेंसीज, कोई वैकेंसीज नहीं हो सकता है इन मेनी डिपार्टमेंट्स फॉर मेनी ईयर्स, हो सकता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में कई साल तक वैकेंसीज ही ना हो, तो अगर डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो ठीक नहीं है। विद नन फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरीज फॉर डिकेड्स, विद नन कोई भी नहीं होगा फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज फॉर डिकेड, दशकों तक जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें होगा ही नहीं, डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है तो जो जिनको रिजर्वेशन मिला है डिपार्टमेंट के तौर पर तो उनको तो कोई मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई जॉब नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट, अगर पूरे इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट मान ले, वुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज, उससे ज़्यादा हमें अवसर मिलेगा फॉर दीज सेक्शन, इन ये जो सेक्शंस हैं इनको ज़्यादा मौका मिलेगा कि किसी डिपार्टमेंट में हो ना हो, कहीं भी पूरे यूनिवर्सिटी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर क्या डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द UGC's एनुअल रिपोर्ट, वो जो एनुअल रिपोर्ट देती है UGC, जैसे 2017-18 का जो रिपोर्ट है, नियरली 2/3 ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका जो 2/3 है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, वो जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि इस एंगल से डिपार्टमेंट वाइज तो कुछ हुआ ही नहीं कि जो OBC SC ST के लिए वो इंतजार ही करते रहे, डिपार्टमेंट कभी वैकेंसी हुई ही नहीं तो उनको चांस नहीं मिला, बाहरी जो जनरल कैटेगरी है उन्होंने अप्लाई किया, हो गया, ये बात कही गई। देयर रिप्रेजेंटेशन वुड गो अप फर्दर, और अब आगे और भी उन्हें फर्दर जा सकता है, एज द प्रेजेंट बिल ऑल्सो अप्लाई द 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीक अमॉन्ग दोज आउटसाइड द रिजर्वेशन लूप। अब कह रहे हैं कि चूंकि जो लोग इस रिजर्वेशन लूप में नहीं है, जितने भी जनरल कैटेगरी है वो रिजर्वेशन में तो नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इकोनॉमिकली वीक है, जो इकोनॉमिकली वीक है जो जनरल कैटेगरी वाले, उनको 10% का कोटा मिला है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये और भी आगे बढ़ सकता है कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है अभी 2/3 है तो और आगे बढ़ सकते, देख रहे हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन वुड गो अप फर्दर, ये आगे जा सकता है, जैसा कि एज द प्रेजेंट बिल, जो प्रेजेंट बिल है ऑल्सो अप्लाइज, ये उस पर भी अप्लाई है, किस पे, द 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीक, जो इकोनॉमिकली वीक है उन पर जो 10% कोटा उस पर भी अप्लाई है बिल, अमॉन्ग दोज उन लोगों में आउटसाइड द रिजर्वेशन लूप, जो रिजर्वेशन लूप से अलग है। अब देखिए अप्लाइंग द कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म, देखिए अप्लाइंग ये करते हुए, अप्लाई करते हुए कोर्ट का जो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म था, जो नियम था, अगर कोर्ट के नियम को देखे, वुड हैव डीपन्ड द सेंस, ये क्या कर दिया होता, वुड हैव ये और गहरा कर दिया होता द सेंस ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड SC ST कम्युनिटीज, जो भी बैकवर्ड क्लासेज हैं, SC ST जो सेक्शन है, जो कम्युनिटीज़ है, उनका जो डेप्रीवेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम है, डेप्रीवेशन का मतलब कि उन्हें वो मिल ही नहीं रहा जो उनको चाहिए, उस प्रॉब्लम को और डीपन और गहरा कर दिया होता, क्लियर है ये। टू दैट एक्सटेंड द न्यू एनैक्टमेंट विल सर्व अ वाइटल सोशल पर्पज, तो उस लेवल तक अगर देखें द न्यू एनैक्टमेंट, अभी जो नया बिल आया है, विल सर्व अ वाइटल सोशल पर्पज, ये एक बहुत बड़ा वाइटल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल पर्पज को सर्व करेगा, यानी कि इस बिल की कहीं ना कहीं तारीफ हुई है कि आपको पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइज़।